नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। इस वक्त हम मौजूद हैं एकता गार्डन में, जहां पर राइट क्लिक प्रोडक्शन के द्वारा हिंदी अखबार फिल्म का आज उद्घाटन किया गया है। राइट क्लिक प्रोडक्शन के नेतृत्व में ये फिल्म बनने जा रही है। अभी अभी राजेश यादव जी और डॉक्टर आलोक प्रकाश जी ने अभी अभी हिंदी अखबार फिल्म का उद्घाटन किया है, और साथ ही साथ इसमें डायरेक्टर मनीष सिंह जी और डॉक्टर हेमेंद्र शर्मा जी भी इसमें उपस्थित रहेंगे। बहुत सी फिल्म बनाई जाती हैं और वो संगीन मुद्दों पे ये फिल्म बनाते हैं। अभी अभी हाल ही में इन्होंने गुब्बारे बनाई थी जो बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर गई और बहुत सारे उसमें नाम हासिल करे, खिताब हासिल करे। डॉक्टर आलोक प्रकाश जी के नेतृत्व में हमेशा से ही रेडक्लिफ प्रोडक्शंस के अंडर जितनी भी फिल्म बनती हैं बहुत ही ज़्यादा संगीन मुद्दों पर होती है, और वो टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो वाकई में ही जनता तक पहुँचाने के लिए उनके ऊपर फिल्म बनाई जाती है। लेकिन फिल्म अभी तक इन टॉपिक्स पर कोई भी नहीं बनाता, इन मुद्दों को कोई नहीं उठाता, लेकिन रेडक्लिफ प्रोडक्शंस हमेशा से ही ऐसे मुद्दों पर फिल्म बनाता आया है और आगे भी बनाता रहेगा। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये हिंदी अखबार जो फिल्म शूट की जा रही है इसका क्या क्या प्रक्रिया रहेगी, और हिंदी अखबार में राइट क्लिक प्रोडक्शंस जनता को और आप लोगों को क्या दिखाना चाह रहा है। सर, राइट क्लिक प्रोडक्शंस के अंडर जो हिंदी अखबार बनने जा रही है, पहले भी और फिल्म्स बन चुकी है जिनको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं, हिंदी अखबार के बारे में क्यों सोचा और क्या कॉन्सेप्ट है फिल्म का? हिंदी अखबार एक इस तरह की समस्या है जो कि आम लोगों के बीच में, जो हिंदी भाषी लोग हैं, जब बाहर यात्रा करते हैं या बाहर काम के सिलसिले में जाते हैं तो कोई कनेक्ट चाहिए, और कनेक्ट जो है जब हिंदी नहीं मिलती तो मातृभाषा अपने आप में आदमी पूरी तरह से खुल के बात नहीं कर सकता, खुल के काम नहीं कर सकता। ये हिंदी अखबार एक कड़ी है लोगों को लोगों से जोड़ने के लिए और इस लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए कि अगली जो पीढ़ी आ रही है वो हिंदी अखबार को कैसे कैरी करती है और हिंदी किस तरह से अगली पीढ़ी, उससे अगली पीढ़ी तक कैरियर करने के लिए हिंदी अखबार एक माध्यम है, तो उसी सब्जेक्ट के ऊपर ये पिक्चर बनाई जा रही है। सर, आजकल इंग्लिश का ट्रेंड है, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट खुल गए हैं इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने के लिए, लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करते हैं, लोग मातृभाषा को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। कोई अगर NRI भी होते हैं या आउट ऑफ इंडिया जाते हैं लोग, वहाँ पे हिंदी का प्रयोग नहीं करता, लोग अपनी मातृभाषा को कम्प्लीटली वहाँ जाके भूल जाते हैं, तो उनको वापस कैसे लाया जाए, उनको ये कैसे बताया जाए कि मातृभाषा को नहीं भूलें क्योंकि हिंदी आपकी मातृभाषा है? इस फिल्म की जो कहानी है वो इसी के आसपास घूमती है कि जो लोग बाहर जा रहे हैं और बाहर जाने के बाद जो है उन्हें फोर्स करके जो है दूसरी भाषा का जो इस्तेमाल करना पड़ता है, तो एटलीस्ट कम से कम वो अपनी हिंदी भाषा को जारी रखे और उससे जो है दूर ना हो, यही इस फिल्म की जो है मेन कहानी है। क्या मैसेज रहेगा सर व्यूअर्स को इसके फिल्म के लिए? अपनी मातृभाषा ना छोड़ें और मातृभाषा को जो है अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को ये बताएं कि ये कितनी महत्वपूर्ण है। मैं राजेश यादव, और ये बहुत अच्छा एक फिल्म में मैसेज भी है, और हम जो लोग धीरे धीरे हिंदी को भूलते जा रहे हैं और जो अंग्रेजी की तरफ जा रहे हैं, लोगों में ऐसा एक प्रचलन सा बढ़ता जा रहा है कि जब तक आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो वो जो है उस व्यक्ति का जो है स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है। मतलब जिसको हिंदी आती है उसको ऐसे दिखाते हैं लोग, ऐसा दिखने लगा है देश के अंदर कि जिसको हिंदी आती है वो उसका जो लाइफ स्टाइल डाउन है और जिसको अंग्रेजी आती है उसका लाइफ स्टाइल स्टैंडर्ड है, तो इस तरफ जा रही है। तो ये हिंदी से एक हमारे देश की एक पहचान है, हिंदी, हम हिंदी वासी हैं, हिंदुस्तान हमारा है, तो एक बहुत बड़ा मैसेज भी जाएगा हिंदी के लिए, और वो फिल्म में यही दिखाया गया है। किस तरह का कॉन्सेप्ट है फिल्म का? देखिए, डॉक्टर आलोक प्रकाश ने एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लिखा हिंदी अखबार जिसका टाइटल है, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं मनीष सिंह। इसमें कोशिश ये की गई है पूरी टीम द्वारा कि जो हमारी मातृभाषा है हिंदी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रयोग करें और उसको दैनिक उपयोग में लाएं, सरकारी कार्यालयों में सरकारी लोग अपने उसमें दैनिक जीवन में उसका उपयोग करें, हम लोग बोलचाल की भाषा में इसको उपयोग करें, क्योंकि जो लोग हिंदी भाषी हैं वो अंग्रेजी बोलने वाले लोगों से किसी हद तक अपने आप को कमतर महसूस करते हैं। तो भाषा हमारी एक शक्ति है,
भाषा को एक शक्तिशाली होना चाहिए, चाहे वो किसी माध्यम में हो। अगर वो हमारी मातृभाषा है तो उससे ज़्यादा शक्तिशाली एक अभिव्यक्ति का साधन कोई नहीं हो सकता। लेकिन इंग्लिश आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल्स में लोग, माँ बाप चाहते हैं मेरे बच्चे जाएँ, हिंदी को इतनी प्रायोरिटी नहीं देती जा रही है। और धीरे धीरे जिस तरह से प्रिंट मीडिया कम हो रहा है डिजिटल मीडिया के आगे, उस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज के आगे हिंदी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा दब चुकी है, ये बात माननी पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं समझता कि कुछ संस्था कैसा, मगर कुछ लोग के ऊपर एक इंग्लिश वाली एक मानसिकता हावी है। अंग्रेजी को हमारे देश में अभी तक एक स्किल डेवलपमेंट की तरह से देखा जाता है, न कि उसको एक भाषा के रूप में लिया गया है। क्योंकि ये लोग समझते हैं जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं वो ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, वो अपने काम में ज़्यादा दक्ष होते हैं, पर ऐसा बहुत कुछ नहीं है। अगर आप अपनी मातृभाषा में पारंगत हैं, क्योंकि आपके देश की मातृभाषा हिंदी है, अगर आप हिंदी पर आपकी कमांड बहुत अच्छी है, तो आपके लिए बहुत सारे सफलता के स्रोत खुले हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आपको बिल्कुल भी नहीं शर्म महसूस होनी चाहिए कि आपको हिंदी बोलना अच्छे से नहीं आती या अंग्रेजी बोलना अच्छे से नहीं आती। ये तो भाषा है, जो भी कहानियाँ निकलती हैं वो आपके रियल जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो हमारे जीवन यापन में रोजाना देखा जाता है, उसी से कहीं ना कहीं कहानियाँ निकलती हैं और उसी से चरित्र का विकास भी होता है। एक सबसे बड़ा सवाल कि कैरेक्टर्स इसमें कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, मतलब प्रोफेशनल एक्टर्स हैं या कहीं और से आए हैं, मतलब जिन जिनको आपने कास्ट किया है वो कैसे किया है, ऑडिशंस करे थे या किस बेस पे? देखिए, इसमें जो जितने भी कलाकार हैं वो हमारे साथ पहले भी हमारी कई सारी शॉर्ट मूवीज में काम कर चुके हैं और सारे लोग अपने क्षेत्र में बहुत दक्ष और बहुत ही सुदृढ़ मानसिकता वाले लोग हैं। कई सारी टीवी सीरियल्स में, कई सारी पिक्चर्स में, कई सारी लघु फिल्मों में वो लोग काम कर चुके हैं और उनको अच्छा खासा अनुभव है अपने क्षेत्र का। मैम, जो राइट क्लिक प्रोडक्शन के अंडर पहले भी दो फिल्में बन चुकी हैं, गुब्बारे और द मास्टरपीस, दोनों ने बहुत से पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हासिल करे हैं। आप जो लेके आए राइट क्लिक प्रोडक्शन हिंदी अखबार, तो क्या मतलब है हिंदी अखबार का, लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं? हाँ, राइट क्लिक प्रोडक्शन के द्वारा ये जो हिंदी अखबार बनाए रहे हैं मिस्टर डॉक्टर आलोक प्रकाश, तो उनके द्वारा ये राष्ट्रभाषा हिंदी को प्रमोट करने के लिए बनाई जा रही है। एक्चुअली क्या है कि हर जगह हिंदी को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि आगे जो सारे इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, या जो जहाँ जिस स्टेट में रहता है वो सोचता है कि मेरी ही लैंग्वेज को ज़्यादा करें, लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पीपल से पर्सन टू पर्सन बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है। अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो उसको सब अच्छे से इजीली जान जाते हैं और उनको अच्छा भी लगता है कि कोई बोल रहा है। और अगर किसी को हम इंग्लिश में बात करें तो वो पहले ही जानते हुए भी अपनी बात नहीं कह पाते हैं। तो इसलिए डॉक्टर आलोक प्रकाश के द्वारा हिंदी को प्रमोट करने के लिए ये बहुत एक अच्छा प्रयास है। सर, राइट क्लिक प्रोडक्शंस की अब जो मूवी बन रही है हिंदी अखबार, पहले भी गुब्बारे और द मास्टरपीस बन चुकी है, बहुत नेशनल अवार्ड्स, इंटरनेशनल अवार्ड्स तक भी पहुंच चुकी है, इसका क्या मूवी है, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं पब्लिक को? सर, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हिंदी अखबार इसका नाम है, और जैसा कि राइट क्लिक प्रोडक्शन हमेशा से कुछ अलग मुद्दों को चुनती रही है, इस बार भी उसने एक अलग मुद्दे को चुना है। हिंदी अखबार का जो मेन मकसद है वो यही है कि हम लोग भारत देश में रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी खुद की मातृभाषा है उसको हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं, और दूसरी भाषाओं को, जैसे कि खासतौर से अंग्रेजी है, हालांकि वो भी हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो हमारी खुद की मदर जो टंग है, जो हमारी खुद की मातृभाषा है, उसकी जो महत्व है वो कम होता जा रहा है। तो उस महत्व को और बढ़ाने के लिए हमारी खुद की मातृभाषा का कि क्या महत्ता है, ये समझाने के लिए इस फिल्म को बनाया जा रहा है। आपका क्या रोल है? मेरा इसमें मेन लीड का रोल है और मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। मूवी में जो कैरेक्टर्स आपके सामने आए हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो क्या लग रहा है, जो आजकल यूथ आगे आ रही है, बॉलीवुड में आ रही है, हॉलीवुड के सपने देखती है यूथ, क्या लग रहा है इन लोगों में वो काबिलियत है जो फिल्म में काम कर रहे हैं? क्यों नहीं यार, काबिलियत है। बिना देखो, एक्टिंग ऐसा है, एक्टिंग की कोई लैंग्वेज नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, कोई भी आदमी कर सकता है एक्टिंग। और इट्स ऑल अबाउट तुम कितनी मेहनत करते हो। अमित जो हमारा लीड रोल प्ले कर रहे हैं, वो उनके साथ में पहले भी काम कर चुका हूँ, बहुत बढ़िया एक्टर हैं, वो थिएटर में मेरे सीनियर भी थे। और क्या बताऊँ मैं आपको, क्या मैसेज रहेगा लोगों के लिए मूवी को लेकर? हम एक्चुअली जो इस फिल्म का मेन मोटिव है वो है हिंदी। हम लोग लूज़ कर रहे हैं, हम लोग अपनी हिंदी, हम लोग जैसे बात करते हैं, जैसे अब मेरे को देख सकते हैं, मैं इतने सारे इंग्लिश के वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वाइल टॉकिंग टू यू,
तो मेन कॉन्सेप्ट का यही है कि हमारी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, हम लोग इंग्लिश के चक्कर में, ज़्यादा बोलने के चक्कर में हम लोग क्लासिज्म क्रिएट कर देते हैं सोसाइटी में। तो ये कहीं ना कहीं ये जो स्टोरी है उस चीज़ को हिट करती है कि आप अपनी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दो। जैसे कि अगर फ्रांस में जाओगे, फ्रांस लोग फ्रेंच बोलते हैं, फ्रांस वाले लोग, स्पेनिश लोग स्पेनिश बोलते हैं, वो शर्माते नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत शर्माते हैं। हम लोग को कहीं जाना होता है तो हम लोग वो इंग्लिश का यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और हमारी लैंग्वेज वो इंग्लिश तो रह नहीं गई, अब सॉरी हिंदी तो रह नहीं गई, इंग्लिश हो गई है सारी। तो उस चीज़ के ऊपर ये फिल्म बात करती है, उस चीज़ के बारे में। क्या मैसेज रहेगा सर, और मेनली डायरेक्टर का क्या रोल होता है एक फिल्म में? डायरेक्टर का एक अहम रोल होता है, क्योंकि जो स्क्रिप्ट है उसको पर्दे पर उतारना और उन किरदारों को अपने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उसमें ढालना और उनसे काम कराना। और मैसेज साफ साफ है, क्योंकि हिंदी को आगे बढ़ाना है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी देश की भाषा है, हम सभी आम लोगों की हिंदी भाषा है, तो इसलिए हिंदी को हम पूरा जोर दे रहे हैं कि इस अपनी मातृभाषा को हम वो सम्मान दिला पाएं जो इसका महत्व है हिंदी का। क्या ना सर, मनीष जी के बारे में इनको मौका दिया है, पहली बार एक्टिंग प्रोडक्शन ने इनके साथ काम कर रही है, फर्स्ट टाइम कर रही है, तो क्या लग रहा है, किस तरह का एक्सपीरियंस है? मनीष जी के बारे में, हमारे एक को एक्टर है मिस्टर अमित सागर, वो हमारे पास पहले भी एक मास्टरपीस में अहम रोल निभा चुके हैं, उसमें उनका एक नेगेटिव किरदार था, वो बहुत सारे सेट्स करते हैं, वो इसमें वो एक पॉजिटिव चरित्र का निर्वाह कर रहे हैं। तो मनीष जी के बारे में जब पता लगा कि उनकी शिक्षा दीक्षा इंग्लैंड में हुई है, इंग्लैंड से डायरेक्शन का कोर्स करके आए, तो लगा कि यार जो आदमी बाहर से पढ़ के आया है शायद कि बहुत कुछ अलग सीख के आया है जो हमारे देश के लोगों को शायद नहीं पता। तो उम्मीद है कि ये उनके डायरेक्शन में ये मूवी एक डायरेक्टर के निगाह से बहुत अच्छा करने वाली है। मैम, जिस तरह से हिंदी अखबार बन रहा है, मेनली हिंदी अखबार जो फिल्म बनाई जा रही है डॉक्टर आलोक प्रकाश जी और राइट प्रोडक्शंस के अंडर, आपका क्या रोल है? मैं गीतिका हूँ, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, एंड मैं हिंदी अखबार मूवी में पूरा मेकअप का काम कर रही हूँ, और डॉक्टर आलोक प्रकाश जी एंड डॉक्टर हिमेंद्र जी के साथ, और हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं यहाँ पर। एंड मेकअप का जो मेरा रोल है इस मूवी में यही है कि कैरेक्टराइजेशन जो है वो मेकअप के थ्रू ही आप दिखा सकते हैं। मेक ही सवाल आपसे रहेगा कि मेकअप जब करते हैं, मेकअप किसी के चेहरे पर चढ़ता है तो किस तरह से डिफरेंस आता है विदाउट मेकअप और विद मेकअप? बिकॉज एक मूवी के अंदर देखा जाए लोग इतने इतने घंटे लगा देते हैं कि अभी मेकअप चल रहा है, आर्टिस्ट या एक्ट्रेस मेकअप कर रही है, मतलब इतना टाइम क्यों लगता है, मेकअप की क्या इंपॉर्टेंस है? एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी, जो मैं सोचती हूँ मेकअप के बारे में, मेकअप के लिए अगर हम बोलें तो मेकअप इज़ अ इन्हांसमेंट ऑफ वंस पर्सनैलिटी, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर नॉर्मल भी ऑब्वियसली हर एक इंसान प्रेजेंटेबल होता है, बट वैन वी आर वर्किंग विद अ मूवी और समथिंग, वी आर फेसिंग अ कैमरा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर चीज़ को कैरेक्टराइज करना, एक प्रेजेंटेबल बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और किसी भी प्रोफेशन में, चाहे वो आर्टिस्ट का हो या वो किसी भी डॉक्टर हो या कोई भी प्रोफेशन हो, आई थिंक प्रेजेंटेशन इज़ द मेन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड ऑब्वियसली जब हम मूवी बना रहे हैं तो उसमें तो कैरेक्टराइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। आपका क्या रोल है? मैं एज अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर वर्क कर रहा हूँ इसमें। तो क्या लगता है किस टाइप के कॉस्ट्यूम्स यूज़ हो रहे हैं फिल्म में, और किस तरह की फिल्म आपको लग रही है उसमें जो कैरेक्टर्स काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है उनका, किस तरह का ट्रेंड है, किस तरह से मोटिवेशन एक दूसरे को मिल रही है? ये एक एक्चुअली ये मूवी है, ये 80s टाइप की है, ये जब पंजाब में जब अपनी लैंग्वेज को, पंजाबी लैंग्वेज को जब डोमिनेट कर रहे थे, तो उस टाइम पर हिंदी लैंग्वेज वहाँ पर पंजाब में नहीं थी, तो उस दौर का ये मूवी है कि उसमें कैसे हिंदी भाषा को हम बढ़ावा दें, क्योंकि हम इंडियन हैं तो हमें हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हमें हिंदी को दिखाना है।